शारजा में आलमी चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल में मोइन अख्तर को ट्रिब्यूट, इमारात में मुकीम मुख्तलफ कम्युनिटीज़ की कसीर तादाद में शिरकत। नामवर राइटर अनवर मकसूद और मारूफ फनकार यासर हुसैन ने लेजेंड अदाकार की यादें ताज़ा की और ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मारूफ टीवी एंकर वसीम बादामी और डॉक्टर नूर सबा का कहना था, मोइन अख्तर जितने बड़े अदाकार थे उससे बड़े इंसान थे, उन जैसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। अच्छी काविशें लोगों को और बच्चों को उर्दू अदब और उर्दू शायरी की जानिब राग़िब करने की। मोइन भाई का तस्करा हो रहा है यहाँ, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का और ज़ाहिर दुनिया अदब का एक ऐसा नाम है मोइन अख्तर के, जो कि अपना तारुफ है, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनके जाने के इतने से बाद भी उनको याद रखा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने ज़माने के लेजेंड अनवर मकसूद साहब खुद यहाँ पर आए हैं मोइन भाई के तस्करा करने। अल्लाह ताला मोइन भाई के दर्जात बुलंद करें। क्या बेहतरीन शख्सियत, जितने हमें चूँकि कुछ मुलाकातों का भी इत्तेफाक रहा, शरफ हासिल हुआ, जितने बड़े अदाकार उतने ही बड़े इंसान मोइन अख्तर साहब। आज का जो शो था बेहतरीन शो था, इट्स फैंटास्टिक एंड इट वाज अ ट्राइब्यूट, मोइन अख्तर साहब को ट्राइब्यूट पेश किया गया। मोइन अख्तर साहब जैसे जो लेजेंडरी फनकार हैं हमारे, वो वाकई सदियों में एक ऐसे फनकार हमारे बीच आते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में आए एंड उनको यहाँ यूएई में अप्रिशिएट किया जा रहा है, इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको सराहा जा रहा है। इट्स मेरे मुझे तो तहे दिल से खुशी हो रही है एंड हैट्स ऑफ, इट वाज एन अमेजिंग इवेंट, बहुत ज़बरदस्त। तकरीब में बिलाल मकसूद और दीगर ने स्टेज शो हम भी अगर बच्चे होते पेश किया, जिसे हाजरीन ने बहुत पसंद किया। हाफिज़ जाहिद अली, आज न्यूज़, शारजा।